साहिबगंज से बुलंदशहर तक जाने वाली भारत जोड़ यात्रा आज साहिबगंज स्टेशन परिसर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुकूल मिश्रा के नेतृत्व में 30 सदस्यीय टीम साहिबगंज स्टेशन से शुरू हुआ, जहां कई कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुकूल मिश्रा सहित यात्रा में चल रहे सदस्यों को फूलमाला पहनाकर रवाना किया। यात्रा से पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुकूल मिश्रा ने कहा कि यह यात्रा पैदल चलकर 1470 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बुलंदशहर में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा में समाहित हो जाएगी। श्री मिश्रा ने बताया कि इस भारत जोड़ो यात्रा में साहिबगंज के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोग इस यात्रा में शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक अनुकूल मिश्रा ने बताया कि हम राहुल गांधी जी को बुलंदशहर में साहिबगंज से बहने वाली पवित्र गंगा जल एवं वीर क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू के जन्मस्थली की मिट्टी में सौंपेंगे। जानकारी है कि भारत जोड़ो यात्रा का यह कार्यक्रम अलग से राहुल गांधी के समर्थन में यहां से बुलंदशहर तक 1470 किलोमीटर तक का बनाया गया है और उसी के तहत आज साहिबगंज से शुरुआरंभ हुआ है आज, और अभी जाएगा बुलंदशहर। और राहुल जी जो आएंगे वहां पर हम लोग यहां से सिद्धू कानू के जन्मस्थली भवना डी का मिट्टी और साहिबगंज उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र गंगा जल उनको हम लोग सौंपेंगे साहिबगंज जिला की तरफ से, और ये साहिबगंज जिला के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। कितने लोग तो मैंने 30 से 35 लोग हैं इसमें जो मैंने जाएंगे पदयात्री के रूप में, वो लोग सब यहाँ भी मिल रहे हैं, फिर आगे मिर्जा चौकी में कोई लोग हैं, मैंने अपना घर के पास हैं, तो ऐसे अभी पीरपैती में एक्यूरेट उसका पोजिशन पता लग जाएगा कि कितने लोग जा रहे हैं। सबका सामान है, यहाँ जो सामान आया वो 20-22 लोगों का आ गया है, तो 20-22 लोग तो आप ऐसे ही। कितने दिन में पहुँच जाइएगा? दिन में पहुँचेंगे। वहाँ जाने के बाद क्या कार्यक्रम रहेगा? वहाँ जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, राहुल जी को खाली यहाँ की जो बताए आपको समृद्धि उसको सौंपेंगे उनके हाथ में, और साहिबगंज की झारखंड की स्थिति से अवगत कराएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।